इसका 400 kg होता ना। नहीं, फोर सर जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो 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 फोर केजी फोर तो हाँ, फोर को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लो तो 10^-3 होगा, ये मिलीग्राम हो गया ना, तो मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 10^-3। बोले थे 100 इनटू डिवाइडेड बाय 100 हाँ इनटू 10^-3 -3, यानी ये 4 × 10^ तो 10 -6 पावर ऑफ माइनस 6 kg मास ये हो जाएगा। इसी में कन्फ्यूजन की ये हो गया और कुछ नहीं। रेडियस है 1 mm, तो नाइस रेडियस सर आ गया ये 1 × 10^-3 मिलीमीटर, ये मीटर हो जाएगा ना, mm। मेरे यस अब वेलोसिटी दे रखा है कितना, 30 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद क्या है, ये किसी गंजे के सिर पे ये पानी गिरा यहाँ से, अब कितना फैला, जितना इसका रेडियस है उतना ही फैल के ये रेस्ट में हो गया यानी कि, और टकराया है 30 मीटर पर सेकेंड से आके इस पे कोलाइड हुआ ये। अब फिर जा करके ये रेडियस के बराबर चला और रुक गया, यानी फाइनल वेलोसिटी इसका क्या हो गया, 0 हो गया, रेस्ट में ही आ गया। तो और इसका कितना चला है ये, हेड ड्रॉप एक्सेलरेशन ऑन हेड एंड कम टू रेस्ट एज्यूमिंग इक्विवेलेंट ड्रैट ड्रॉप्स कवर डिस्टेंस इक्वल टू देयर रेडियाई ऑन द हेड, एस्टिमेट द फोर्स एग्जर्टेड बाई ईच ड्रॉप, हर ड्रॉप इस पे कितना फोर्स इसके सिर पे लगाएगा ये बताना है हमको, समझ रहे हैं ना, कि यानी कि फोर्स कितना लगेगा। तो मास पता है हमारे पास, है ना, और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी क्या है हमको, 0 है इनिशियल। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, टाइम का तो हमको नहीं पता है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 a s। तो फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल आ रहा है 30 का स्क्वायर, और क्योंकि ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा रेस्ट में आ रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी से जाके फाइनल, तो ये 2 इनके यानी कि डिसेलरेशन हो रहा है इसका, तो यहाँ पे a हो जाएगा, और s इज 1 × 10^-3 ये है। अब इससे आप a का वैल्यू निकाल लो, a कितना आ जाएगा बताओ, इससे सॉल्व कर लो, तो इससे आपका एक्सेलरेशन निकल जाएगा, और जैसे ही आपका एक्सेलरेशन निकल जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ रहा है ये 45 × 10^3 एक्सेलरेशन। इसको सॉल्व करने पर ये सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, ये आ जाएगा 45 × 10^3 m/s² आ गया। अब एक्सेलरेशन निकल गया तो फोर्स सिंपली आप निकाल लो, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इज 4 × 10^-6 × 45 × 10^3। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10^-3, और ये हो जाएगा 20 180, यानी 1.8 N फोर्स, समझे। अब नाइन्थ वाला बनाओ, नाइन्थ वाला बहुत इजी है, बन जाना चाहिए। मास इक्वल जीरो टू, पॉइंट टू सर अरे हम पूरा 0.3 kg, जीरो और फोर्स इस पर कितना लग रहा है, फोर्स स्प्रिंग का ही होता ही है, -kx होता है। अभी इसके अगले वाला क्वेश्चन में हम इसको और भी एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे आता है। तो इसमें आपको ये दे दिया, k का वैल्यू भी दे दिया है, 15 है, तो ये -15 x हो जाएगा। अब सिंपली x का वैल्यू भी कह दिया कि 15 cm से इसको छोड़, 20 cm, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 0.2 m हो जाएगा ये। तो फोर्स विल बी सिंपली इक्वल टू -15 × 0.2 इक्वल टू ये हो जाएगा -3 N। तो फोर्स हो गया -3 N, करेक्ट। अब इसका मास कितना दे रखा है, मास इज 0.3, तो एसेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाई मास सिंपली। सो एसेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, मैग्नीट्यूड लिख दो 0.3, तो ये हो जाएगा 10 m/s², समझे। क्यों गलती किए थे, ये तो गलती नहीं होना चाहिए, देखो आ गया नाइन्थ का। टेंथ वाला हम बनाते हैं, टेंथ वाला ध्यान से समझना, इसमें थोड़ा स्प्रिंग कॉन्स्टेंट की भी बात इसमें एक्सप्लेन करनी है, तो टेंथ वाला हम बनाते हैं आपको। टेंथ वाला देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है,
कि बोथ द स्प्रिंग शोन इन फिगर आर अनस्ट्रेच्ड, दोनों स्प्रिंग जो है ये अनस्ट्रेच्ड है। इफ ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाई ए डिस्टेंस एक्स एंड रिलीज्ड, एक्स डिस्प्लेस किया एंड रिलीज कर दिया गया, क्या किया गया, डिस्प्लेस्ड बाई एक्स, कहीं भी डिस्प्लेस कर दो, या तो इस डायरेक्शन में ऐसे या इस डायरेक्शन में ऐसे, रिलीज डिस्प्लेस करना है और उसको छोड़ देना है वहीं से। तो पूछ रहा है व्हाट विल बी इनिशियल एक्सेलरेशन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आपको मान लो, सपोज करो कहीं भी मान लो हम, तो इस किसका एक्सेलरेशन निकालना है, इस ब्लॉक का निकालना है, ध्यान रखना ये। मान लो कि इसको इधर स्ट्रेच किया गया, यहाँ लाया गया, एक्स डिस्टेंस इसको स्ट्रेच कर दिया गया ऐसे, है ना, एक्स डिस्टेंस ये मास को यहाँ लाया गया। अब जरा इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना ध्यान से, इसी मास इसी का एक्सेलरेशन निकालना है ना हमको। तो एक तो वेट नीचे हो जाएगा एम जी, एंड टॉर्क विल, ये नॉर्मल फोर्स विल बी अपवर्ड डायरेक्शन, और फोर्स देखो इस पर, ये ब्लॉक जब ऐसे जाएगा, इसको हम ऐसे स्ट्रेच करेंगे इस स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग ब्लॉक पे फोर्स किधर लगाएगी, इधर ऐसे, ध्यान से समझना, जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये स्प्रिंग ब्लॉक पे जो फोर्स लगाएगी इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, सो दिस फोर्स विल बी लाइक दिस। तो इसको हम कहेंगे कि ये मान लो इस स्प्रिंग ने लगाया F2, क्योंकि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, इसीलिए इसका फोर्स को हमने लिख दिया F2 से। तो ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पे जो फोर्स लगाएगी इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, देखो ये मैंने ऐसे कर दिया है। अब इसको थोड़ा दूसरे स्प्रिंग का भूल जाओ, पहले वाले स्प्रिंग के आ जाओ, इस स्प्रिंग पे, ये जब इस ब्लॉक को ऐसे ले जाएंगे इस डायरेक्शन में, ये मूवमेंट ऐसे है, तो ये स्प्रिंग इधर फैलेगी, इधर जब स्प्रिंग फैलेगी तो इस ब्लॉक पे ये स्प्रिंग जिधर फोर्स लगाएगी उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, दैट इज F1, ये F1 इज द फोर्स अप्लाइड बाई स्प्रिंग K1। तो एक फोर्स इस पे लग गया ब्लॉक पे F1, है ना। अब देखो कि इस पे जो है इसको ऐसे खींचा गया, ऐसे दबाया गया इधर और छोड़ दिया गया उसको, तो जब इधर दबा के हम छोड़ेंगे तो उस समय इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो अब इस ब्लॉक पे जरा रिजल्टेंट फोर्स देख लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो हो जाएगा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट विल बी इक्वल टू F1 + F2, दोनों का डायरेक्शन सेम है, देख लो इस दोनों का डायरेक्शन इधर F2 है, इधर भी इधर ही F1 है, तो F2 F1 + F2, एंड F1 फोर्स क्या होता है स्प्रिंग के कांस्टेंट में हम जानते हैं, F इक्वल टू होता है -KX होता है, यही होता है, K क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट का फिजिकल मीनिंग ये होता है कि जब हम इसको या तो स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें, तो अगर ये इजिली कंप्रेस हो जाए या इजिली ये जो है कि एक्सपेंड हो जाए, तो हम इसको कहते हैं कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है, और स्प्रिंग कांस्टेंट अगर ज़्यादा है तो इसको स्ट्रेच करना या दबाना डिफिकल्ट होगा, फिजिकल यही मीनिंग है। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट कम है तो इसको आसानी से हम फैला सकते हैं और या आसानी से इसको हम दबा सकते हैं, लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट अगर ज़्यादा है तो इसको दबाना भी मुश्किल है, इसको फैलाना भी मुश्किल है, दोनों मुश्किल है। तो अब देखिए क्या होगा जब ये ऐसा हो गया, तो अब के यही KX होता है, तो F1 के लिए क्या लिखेंगे, -K1X + हो जाएगा -K2X होगा, क्योंकि एक्स ही दबा है ना, एक्स इधर दबाए हैं तो ये इधर फैल गया है एक्स डिस्टेंस से, तो इसमें माइनस कॉमन ले लो तो K1 + K2 × X हो जाएगा, ये हमारा टोटल फोर्स निकल जाएगा। अब ये फोर्स का डायरेक्शन किधर है, ध्यान से बताओ हमको, फोर्स का डायरेक्शन किधर है, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट है, देख लो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, इधर इधर ऐसे, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स किधर है, इधर इसके अपोजिट डायरेक्शन, तो जिधर फोर्स होता है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी किधर होगा, उधर ही होगा, जिधर फोर्स लगता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू F/ मास, मास ऑफ द ब्लॉक एम है ये, अब एफ का वैल्यू निकल गया है -K1 + K2, K1 + K2 / m × x, यही एक्सेलरेशन हो जाएगा, या ये भी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन
इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे जब हम पढ़ाएंगे ना तुमको ऑसिलेशंस वगैरह या सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वहाँ ये डेफिनेशन ही होता है एक्सेलरेशन का, कि ये डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, हमेशा अपोजिट होता है। ये डिस्प्लेसमेंट इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का इधर हो रहा है। ये देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। और ऐसे मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं, जो कि आगे आएगा। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही एक्चुअली क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे दे दिया हुआ है फोर्स वाले में इक्वेशन। अब आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करो।